हाई गाइज़ वेलकम बैक टू माई यूट्यूबलट ईयरस तो यहाँ पर हमने एक ऐसे पार्क के बारे में बताना जो रिसली काफ़ी चेंज हुआ जिसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं इम्प्रूवमेंट्स आई हैं एंड सबक्यूज आर वेर इट इज़ कि ये पार्क कहाँ पर है नेक्स्ट इज वन डिड यू विजिट इट फॉर द फर्स्ट टाइम ये आपने कब पहली बार इस पर विजिट किया था पार्क कब गए थे पहली बार नेक्स्ट इज वॉट है

डिफरेंट ग्रुप्स विद इन कम्युनिटी टूगेदर तो यहाँ पर हमने बताया कि जो कंटेम्प्रेरी पॉक् जो मॉडर्न एरिया में क्या है जो पार्क से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में ये हम लोगों को एक स्पेस देते हैं जहाँ पर हम एक्सरसाइज कर सकते हैं रिलैक्स कर सकते हैं और डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं सोसाइटी उनको एक साथ जोड़ता है एक साथ लाता है बींग नेचर लवर आई लव गोइंग टू डिफरेंट पार्कस एंड आई नो वन सच पार्क विच हैज एक्सपीरियंस मैसेव डिवेलपमेंट हैर्थ मैंशनिंग तो यहाँ पर हमने बताया कि मैं एक नेचर लवर हूँ सो तो मैं डिफरेंट पार्क्स में जाता रहता हूँ और मुझे को एक ऐसा पार्क पता है जिसमें बहुत बढ़िया जब बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं डिवेलपमेंट हुई हैं और यहाँ पर मैं उसके बारे में ही बात करने वाला हूँ द नेम ऑफ द पार्क इज़ ग्रीन पार्क एंड इट इज़ जस्ट वन किलोमीटर अवे फ्रॉम माई रेजिडेंस यहाँ पर हमने नाम बता दिया पार्क का नाम है ग्रीन पार्क और ये मेरे घर से एक किलोमीटर की दूरी पर है द फर्स्ट फ्यू मेमरीज ऑफ़ दिस पार्क आर स्टिल फ्रेश इन माई माइंड टेन ईयर्स अगो वन आई वॉज अ नाइन ईयर ओल्ड किट आई विजिड दिस पार्क फॉर द फर्स्ट टाइम विद माई फ्रेंड्स तो सिंपली यहाँ पर हमने बताया कि जो फर्स्ट uh, कुछ मेमरीज है शुरुआती मेमरीज इस पार्क की अभी भी मेरे माइंड में बिल्कुल ताजा हैं और दस साल पहले जब मैं नौ साल का एक बच्चा था छोटा सा तो तब मैं पहली बार इस पार्क में विजिट किया था अपने दोस्तों के साथ एक्चुअली वी और फ्रेंड्स यूज टू गो फॉर साइकिलिंग इन द इवनिंग एंड वन इवनिंग माई बॉसन फ्रेंड राजू कस्तर तो यहाँ पर हमने बताया कि हर शाम को मुझे और मेरे दोस्त क्या करते थे हम साइकिलिंग करने के लिए जाते थे और एक दिन मेरे बॉसम फ्रेंड राज बॉसम फ्रेंड मीन्स की जो पक्का जिगरी यार होता है कि मेरा जिगरी यार राज मुझे और मेरे बाकी दोस्तों को वहाँ उस पार्क में लेके गया एट दैट टाइम इट वॉज़ एन ऑर्डनरी पार्क विद नो स्विंग्स फॉर चिल्ड्रेन टू प्ले नो वॉक और साइकिल ट्रैक ऑनली द ओल्डर जनरेशन वुड कम हेयर टू रिलेक्स तो यहाँ पर हमने बताया कि तब ये पार्क बिल्कुल ही ऑर्डनरी था कोई स्विंग्स वगैरह झूले वगैरह नहीं थे बच्चों के लिए ना ही कोई साइकिलिंग ट्रैक था या वॉकिंग के लिए ट्रैक था अलग से सिर्फ जो बड़े जो सीनियर सिटीजन थे वही वहाँ पर आते थे रिलैक्स करने के लिए हाउ एवर ड्यू टू द सीरियस एफर्ट्स ऑफ द लोकल अथॉरिटीज एंड लोकल डिवेलर्स दिस पार्क हैज एक्सपीरियंस अ ड्रामेटिक शिफ्ट तो यहाँ पर हमने बताया कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं या लोग हैं उनकी एफर्ट्स की बदौलत क्या हो कि इस पार्क काफ़ी इस में काफ़ी ज़्यादा इसमें अच्छे चेंजेस आए हैं फर्स्टली द लोकल अथॉरिटीज हैव इंस्टॉल्ड वेरियस स्लाइड्स एंड स्विंग्स फॉर चिल्ड्रन वेयर अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन कम एंड प्ले विद देयर फ्रेंड्स तो फर्स्टली उन्होंने क्या किया लोकल अथॉरिटीज़ ने क्या किया कि बहुत सारे झूले वगैरह इंस्टॉल कर दिए पार्क में और इसी वजह से काफ़ी बच्चे आते हैं और अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर खेलते हैं मोर ओवर इन देंटर देर इज़ एन अमेजिंग फाउंटेन विद लाइटनिंग एंड इट लुक्स इन क्रेडिबल एट नाइट हैंस इट हैज़ बिकम अ पॉपुलर स्पॉट फॉर लोकल्स तो पार्क के सेंटर में क्या एक फाउंटेन भी लगाया गया लाइटनिंग वाला तो उसमें डिफरेंट लाइट्स जगती हैं और रात को तो बहुत ही अच्छा लगता है और ये एक पॉपुलर स्पॉट बन गया है जो भी वहाँ पर लोकल लोग रहते हैं उनके लिए एक पॉपुलर जगह है वो अपार्ट फ्राम दिस देर आर सेपरेट ट्रैक्स फॉर रनिंग वॉकिंग एंड साइकिलिंग विच इज काइंड ऑफ अमेजिंग तो यहाँ पर हमने बताया कि कि तो रनिंग के लिए वॉकिंग के लिए साइकिलिंग के लिए सब के लिए डिफरेंट सेपरेट ट्रैक्स है जो मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है लास्टली अ फ्यू शॉप्स हैव ओपन विच प्रोवाइड वेरियस ईटेबल्स सो दैट द विजिटर्स कैन पेम्पर देयर एपेटाइट वाइल वॉक और प्ले तो लास्टली क्या कि कुछ शॉप्स भी वहाँ पर ओपन हो गई हैं खाने के लिए जो विजटर के लिए बहुत ही अच्छी बात है जब कोई वॉकिंग कर रहा है वहाँ पे वॉक कर रहा है या खेल रहा है तो अगर उसको भूख लगती है तो वो खा सकता है अनडाउटडली दिस चेंजेस आर गुड बिकॉज दिस पार्क हैज़ समथिंग फॉर ऑल एज ग्रुप्स एंड ऑल दिस मोडिफिकेशन हैव इंक्रीज द फुटफॉल इन द पार्क तो यहाँ पर हमने बताया बिल्कुल जो भी चेंजेस हुए हैं बिल्कुल अच्छे हैं पार्क के लिए और क्योंकि इस पार्क में सब एज ग्रुप्स के लिए सब कुछ है कुछ ना कुछ है बच्चों के लिए झूले हैं जैसे साइकिलिंग ट्रैक्स भी है बेंचेस भी है बर्डों के लिए फाउंटेन भी है घूमने के देखने के लिए तो सब एज ग्रुप्स के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पर अवेलेबल है और जितने भी मॉडिफिकेशन चेंजेस हैं इस वजह से क्या कि लोग भी ज़्यादा आते हैं इस पार्क में अब सो so ये था हमारा सैम्पल आंसर का फॉलोअप्स एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज़ देयर लेस अटेंडेंस ऑफ यंगस्टर्स इन पार्क दिस डेज तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि आजकल जो यंगस्टर्स क्यों इतने कम जाते हैं पार्कस में एंड द आंसर इज इन द मॉडर्न एरा सोफिकेशन मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इन रोड इन यंगस्टर्स लाइफ तो, तो यहाँ पर हमने बताया कि जो मॉडर्न एर के सफिसटिकेशन आगे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो उसने जगह ले ली है यंगस्टर्स की जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा तो यंगस्टर्स ज़्यादा बाहर नहीं जाते पार्कस वगैरह में ड्यू टू दिस रीज़न दे हैव दिस अनकैनी नैक फॉर स्पेंडिंग पार्ट ऑफ देयर लेजर टाइम्स सर्फिंग देयर स्मार्टफोन्स तो इसी वजह से क्या है कि उनके पास टेक्नोलॉजी वगैरह तो वो ज़्यादातर टाइम अपना क्या अपने जो खाली टाइम भी होता है वो फ़ोन पे ही बिताते हैं फ़ोन पे कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं एन्स दिस पैराडाइम शिफ्ट इज़ रिफ्रेनिंग यंग पीपल फ्रॉम गोइंग टू पार्क्स तो यही चीज़ है जो टेक्नोलॉजी है यही चीज़ रोकती है यंगस्टर्स को पार्कस में जाने के लिए एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ कैन वी इम्प्रूव द पार्क्स यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि हम पार्कस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं द अथॉर्टीज़ नीड टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पार्क की जो गवर्नमेंट्स उनको क्या कि इंफॉर्म डिसीजन लेने चाहिए अच्छा डिसीजन लेने चाहिए ताकि वो पार्कस की जो कंडीशन है इम्प्रूव कर सकें बट फर्स्ट देर शुड भी जीरो टॉलरेंस फॉर लेटरिंग एंड स्ट्रिंजेंट एक्शन शुड भी टेकन अगेंस्ट दोस्टर्ब द ब्यूटी ऑफ सच प्लेस तो यहाँ पर हमने बताया कि पहले क्या जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए कि कोई भी कूड़ा वगैरह कहीं नहीं फेंकेगा ऐसी जगह पे और स्ट्रिक एक्शंस लेने चाहिए जो भी कोई भी डिस्टर्ब करेगा या ख़राब करेगा वहाँ की ब्यूटी को द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो कोलेबोरेट विद कॉर्पोरेट वर्ल्ड फॉर पार्क मेंटेनेंस दिस प्रूडेंट अप्रोच विल जनरेट सफिशेंट फंड फॉर सच प्लेसिस रेगुलर अब की पेंट मैंटेनेंस तो यहाँ पर हमने बताया कि अगर गवर्नमेंट कोलेबोरेट करे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ तो फंडिंग वगैरह भी रेज होगी तो हम अच्छे से पार्कस वगैरह की मेंटेनेंस कर सकते हैं देखभाल कर सकते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ कैन वी इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ पार्कस तो यहाँ पर हम उनसे उन्होंने हमसे पूछा कि हम जो पार्कस को कैसे ज़्यादा बना सकते हैं उनकी गिनती कैसे बढ़ाई जा सकती है दिस नोट डिनाइज दिस कन्वेक्शन डेट ड्यू टू दर्जनिंग पॉपुलेशन द नंबर ऑफ पार्कस इन वेरियस सिटीज इज आइर सेम और डिक्लाइंट तो यहाँ पर हमने बताया कि इसमें कोई दूर आए नहीं की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है इस कारण क्या है कि पार्कस डिफरेंट सिटीज़ में जा तो उस उतने ही जितने पहले थे जहाँ कम हो गए पार्कस पहले से इन सचसरियो इट इज़ प्रूडेंट टू यूज़ वट एवर वेकेंट स्पेसिस वी हैव लेफ्ट एंड कन्वर्ट दैम टू पार्क सो दैट द पब्लिक कैन स्पेंड क्वाल्टी टाइम ओवर देअ तो यहाँ पर हमने बताया कि प्रोडक्ट अप्रोच वाइस जो अच्छी अप्रोच यही है कि जो भी वेकेंट या फ्री स्पेस हमारे पास अवेलेबल है उसको हम पार्कस में कन्वर्ट कर ले करें जल्दी से जल्दी ताकि जो पब्लिक भी है जो लोग हैं वो क्वाल्टी टाइम स्पेंड कर सके पार्कस में जाके एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ वट एक्टिविटीज डू यू प्रेफर वेन वेस्टिंग अ पार्क यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि आपको कौन सी एक्टिविटीज़ करनी पसंद है जब आप पार्क विज़िट करते हो वन एवर आई विजिट अ पार्क आई प्रेफर टू हैव अ वॉक टू मेंटेन फिटनेस अपार्ट फ्रॉम दिस आई लाइक टू विद फ्रेंड्स एंड मैं रीड बुक्स तो यहाँ पर हमने बताया कि जब भी मैं पार्क विज़िट करता हूँ तो मैं वॉक करता हूँ अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए उसके अलावा कई बार मैं थोड़ी बहुत बातचीत कर लेता हूँ अपने दोस्तों के साथ जहाँ बुक्स रीड करता हूँ So that's all for the video guys. In this video we discuss follow-ups and the sample answer also. So if you like the video guys don't forget to give it a thumbs up and make sure you subscribe to my channel as well. So I will see you in the next video guys. Till then take care. Good luck for the preparation and thank you guys.